हाय फ्रेंड, कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्य मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। और मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप लोग जरूर देखे होइएगा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक का सोल्यूशन दिया था, जो कि मेरा 3D पे लेक्चर क्या था, 6 था। तो आज के लेक्चर यानी लेक्चर 7 में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्यूशन दूंगा। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। यहां लाइन हमको L1 और L2 दिया हुआ है, इसको L1 मान लेंगे, इसको L2 मानेंगे। यहां दो लाइन दिया हुआ है, दोनों लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको बताना है। तो यहाँ हमने बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, यानी दो को लाइन है, दोनों लाइन के बीच क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको बताना है। तो यही डिस्टेंस हमको निकालना है, इसको क्या बोलते हैं, एसटी बोलते हैं। तो यहाँ हमने बताया था एसटी इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, A2 - A1 dot B1 cross B2 का मैग्नीट्यूड बटा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रहा है ना? हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और एसटी को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों लाइन से हम क्या करेंगे, A2 A1 B1 B2 को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए, हमने ये भी बताया था लेक्चर 1 में आर वेक्टर जो होता है A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों फॉर्मूला की यूज से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए, सॉल्यूशन में एज गिवन लाइंस, लाइंस जो दिया हुआ है उस लाइन को हम क्या L1 मानेंगे। L1 मेरा कितना है, I cap + 2 j cap + k cap + λ i cap - j cap + k cap = r vector। समझ में आ रहा है ना? L2 आर वेक्टर को मानेंगे तो यहाँ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस आर को यहाँ भी हम लिख सकते थे, एक लाइन बढ़ा दीजिए, अरे L1 इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब समझ में आ रहा है? तो यहाँ हो जाएगा 2i cap - j cap - k cap + μ 2i cap + j cap + 2k cap। अब यहाँ नाउ फ्रॉम लाइन L1 एंड L2 से, अब यहाँ देखिए A1 मेरा कौन हो जाएगा, तो इसको हम A1 बोलेंगे, तो इसीलिए A1 वेक्टर जो हो जाएगा i cap + 2 j cap + k cap। B1 वेक्टर मेरा कौन हो जाएगा, तो लैम्डा के मल्टीपल को हम क्या बोलते हैं, यानी कि i cap - j cap + k cap मेरा क्या हो जाएगा, B1 वेक्टर हो जाएगा। एंड A2 वेक्टर कौन हो जाएगा, इसको बोलेंगे 2i cap - j cap - k cap। B2 वेक्टर कौन हो जाएगा, 2i cap + j cap + 2k cap। तो अब क्या करेंगे, नाउ अब क्या करेंगे, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए A2 में से A1 को घटाएंगे, तो 2i में से i जाएगा, तो कितना हो जाएगा i cap, फिर यहाँ माइनस j में से 2j जाएगा, तो -3j cap हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर माइनस के में से के जाएगा, तो -2k cap हो जाएगा। यहाँ हमने A2 वेक्टर माइनस
A1 वेक्टर फाइंड आउट किया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगेन फिर क्या करेंगे हम, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। यहां देखिए, यहां यानी B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालने के लिए हम क्या डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। तो यहां देखिए I, फिर यहां J हो जाएगा, फिर यहां क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अब यहां देखिए B1 मेरा कितना है, इसके कोफिशिएंट को रखिए, तो यहां 1, J का कोफिशिएंट क्या है -1 है, K का कोफिशिएंट क्या है 1 है, फिर यहां B2 का कोफिशिएंट, B2 के I का कोफिशिएंट क्या है 2 है, फिर J का कोफिशिएंट क्या है 1 है, फिर K का कोफिशिएंट क्या है 2 है। इसको सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है। अब यहां देखिए, तो इसीलिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर जो हो जाएगा क्या होता है, यानी इसके अलोंग हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या हो जाएगा I cap रो कॉलम डिलीट, तो -1 × 2 क्या होता है -2, अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 × 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, फिर यहाँ J तो -J, यहाँ हमने सिंबल भी बता दी प्लस होता है माइनस ई प्लस होता है, तो यहाँ -J हो जाएगा, रो कॉलम डिलीट 1 1 2 2, तो 2 - 2 हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा, फिर प्लस K cap निकालेंगे तो रो कॉलम डिलीट, तो 1 - -2 हो जाएगा, तो 1 - 2 1 - -2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3 I cap, ये कितना हो जाएगा 2 - 2 जाएगा 0, तो -0 J cap, ये कितना हो जाएगा +3 K cap। यहाँ पे हमको क्या निकला, यहाँ हमको क्या निकला, सिंस B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर मेरा फाइंड आउट हुआ, तो अब क्या करेंगे, अब इसीलिए इसका क्या मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √_-3 2 + 0 2 + 3 2, कितना हो जाएगा 9 + 9 कितना हो जाएगा √18, तो 18 को क्या हो जाए, 18 को हम लिख सकते हैं 2 3, इसको लिख सकते हैं 3√2, नाउ अब क्या करेंगे एसटी निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A2 - A1, तो A2 - A1 मेरा कितना है, तो यहाँ रखिए A2 - A1 I - 3J I cap - 3J cap, फिर -2 K cap डॉट, फिर यहाँ क्या B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर रखेंगे, तो अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो -3 I cap - 0 J cap + 3 K cap का मैग्नीट्यूड, बट अभी हमने B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है, यहाँ क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ देखिए क्या डॉट प्रोडक्ट है, तो डायरेक्ट इसके कोफिशिएंट का मल्टीपल का सम हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 × -3 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, फिर -3 × -0 क्या हो जाएगा -0 - -+0 हो जाएगा, फिर -2 × +3 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मॉड हो जाएगा, यहाँ क्या है मॉड है मैग्नीट्यूड नहीं सॉरी क्या मॉड हो गया मेरा। अब यहाँ देखिए ये -3 और -6 कितना हो जाएगा मॉड -9 हो जाएगा, बटा 3√2 कितना हो जाएगा, तो मॉड के अंदर से जब 9 को बाहर निकालेंगे तो प्लस आएगा, तो 9 / क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9 क्या हो जाएगा 3/√2 हो जाएगा, तो मेरा एसटी क्या होगा 3/√2, यही मेरा फाइंड आउट करना था। इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ।
चलिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एसटी, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम शॉर्ट में एसटी लिखते हैं, बिटवीन द लाइंस इतना एंड इतना, यानी इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन 14 उसमें लाइंस जो हमको दिया हुआ था वह वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था, लेकिन अभी क्या कर दिया, अभी लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया और तब कह रहा है कि क्या कीजिए इसको शॉर्टेस्ट, यानी इस दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट कीजिए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, एज गिवेन लाइंस इस लाइन को L1 मानेंगे, L1 इज इक्वल टू क्या x+1/7 इज इक्वल टू y+1/-6 इज इक्वल टू z+1/1। अब इसको स्टेप एक स्टेप आगे बढ़ाइए, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं x-1/7 इज इक्वल टू y-1/-6 इज इक्वल टू z-1/1। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अगेन L2 जो लाइन दिया हुआ है उसको लिखिए, क्या है x-3/1 है बटा y-5/-2 है बराबर z-7/1 है, इसको 2 मानेंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या करेंगे, a1 वेक्टर निकालेंगे। a1 वेक्टर कैसे निकालते हैं, यानी यहाँ पे पॉइंट जो होता है ना, जो पॉइंट है उसी के पोजीशन वेक्टर को हम क्या करते हैं a1 वेक्टर बोलते हैं। इस पॉइंट को हम कहा x में से घटाते हैं तो -i हो जाएगा कैप, फिर -j कैप हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -k कैप हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए यहाँ b1 वेक्टर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, नीचे वाला को लिखते हैं डायरेक्शन इस यूज वाला का, तो 7i-6j प्लस क्या हो जाएगा k कैप, समझ में आ रहा है ना। अब एंड a2 वेक्टर क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर यानी 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप हो जाएगा, फिर b2 वेक्टर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा i कैप -2j कैप प्लस k कैप। यहां तो कोई दिक्कत, अब क्या करेंगे, अब देखिए अब नाउ a2 वेक्टर -a1 वेक्टर निकालेंगे, a1 वेक्टर क्या हो जाएगा a2-a1 जो होगा, a2 तो 3i में से i जाएगा तो क्या --+4i कैप हो जाएगा, फिर यहाँ 5j में से -j जाएगा तो --+6j कैप हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए +7k में से -k जाएगा तो +8k कैप हो जाएगा। a2 वेक्टर -a1 वेक्टर हमने निकाला, अब यहाँ देखिए अगेन फिर क्या निकालेंगे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालेंगे, क्या हो जाएगा i कैप j कैप k कैप, b1 i का कोएफिशिएंट 7 है, j का कोएफिशिएंट क्या है -6 है, k का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, फिर यहाँ b2 i का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, j का कोएफिशिएंट क्या है -2 है, फिर k का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसको फाइंड आउट कीजिए यहाँ क्या हो जाएगा। तो i कैप रो कॉलम डिटेक्ट -6 × 1 क्या होता है -6, -2 × 1 -+2 हो जाएगा, -j कैप रो कॉलम डिटेक्ट 7 × 1 7 -1, यहाँ देखिए फिर +± हो जाएगा, k कैप रो कॉलम डिलीट 7 × -2 -14 और -±+6 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा -6+2
क्या हो जाएगा माइनस फोर आई कैप सेवन माइनस वन कितना होगा सिक्स माइनस सिक्स जे कैप माइनस फोर्टीन प्लस सिक्स माइनस एट के कैप। तो इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर बराबर हो जाएगा रूट अंडर माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एट का स्क्वायर रूट अंडर कितना हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा थर्टी सिक्स हो जाएगा सिक्सटी फोर हो जाएगा कितना हो जाएगा अब यहां देखिए यहां देखिए क्या हो जाएगा रूट अंडर सिक्सटीन हंड्रेड वन हंड्रेड सिक्सटी हो जाएगा इसको लिख सकते हैं फोर इंटू ट्वेंटी नाइन दैट इज टू रूट अंडर ट्वेंटी नाइन आ गया। अब क्या करेंगे तो इसीलिए एस टी नाउ अब क्या शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है मैग्नीट्यूड सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं मॉड ए टू वेक्टर माइनस ए वन डॉट बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर बटा क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर मान को इसमें पुट कीजिए मान क्या कीजिए पुट कीजिए तो इसीलिए एस टी जो हो जाएगा क्या होगा ए टू माइनस ए वन हमने अभी फाइंड आउट किया है क्या है फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस एट के कैप है फिर क्या है अभी बी वन फैक्टर क्रॉस बी टू फैक्टर हमने फाइंड आउट किया है क्या है माइनस फोर आई कैप माइनस सिक्स जे कैप माइनस क्या है एट के कैप है क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड सॉरी इसका मॉड बटा कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड अभी हमने फाइंड आउट किया है टू रूट अंडर ट्वेंटी नाइन इसके कोफिशिएंट को मल्टी इसके कोफिशिएंट का क्या हो जाएगा मल्टीपल का सम हो जाएगा तो फोर इंटू माइनस फोर माइनस सिक्सटीन हो जाएगा प्लस सिक्स इंटू माइनस सिक्स कितना हो जाएगा माइनस थर्टी सिक्स हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा माइनस एट एट जा सिक्सटी फोर का मॉड बट टू रूट अंडर ट्वेंटी नाइन हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए फिर सॉल्व कीजिए तो माइनस सिक्सटीन मॉड वन हंड्रेड माइनस इतना हो जाएगा बटा टू रूट अंडर ट्वेंटी नाइन हो जाएगा इसको वन हंड्रेड इतना लिख सकते हैं ट्वेंटी नाइन इसको काटेंगे काटेंगे कितना हो जाएगा फाइव टू जा टेन एट टू जा सिक्सटीन तो फिफ्टी एट बटा क्या हो जाएगा रूट अंडर ट्वेंटी नाइन यही मेरा क्या हो गया इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो फिफ्टी एट बटा ट्वेंटी नाइन इंटू ट्वेंटी नाइन रूट अंडर ट्वेंटी नाइन इसको लिख सकते हैं फिफ्टी एट रूट अंडर ट्वेंटी नाइन बटा ट्वेंटी नाइन कट के क्या हो जाएगा टू रूट अंडर ट्वेंटी नाइन यही आंसर हो गया। तो इसको आप लोग लिखिए इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। तो चलिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर यानी कहने का मतलब यहाँ अब क्या दिया फिर दो लाइन्स दिया हुआ है दो वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है दो लाइन का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है और उसका शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ रहा है यानी सेम 14 नंबर जो क्वेश्चन मैंने बताया है सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका क्या करना है हमको ये दोनों लाइन के बीच एस टी फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे एज गिवन
एज गिवन लाइंस। अब देखिए मेरा लाइन L1 जो है L1 R वेक्टर जो है क्या है I cap plus 2J cap plus 3K cap plus lambda I cap minus 3J cap plus 2K cap। फिर यहाँ एंड L2 इज इक्वल टू R वेक्टर दिया हुआ है 4I cap plus 5J cap plus 6K cap plus mu 2I plus 3J plus K cap। अब यहां देखिए फ्रॉम लाइन L1 एंड L2 से A1 वेक्टर जो होगा क्या हो जाएगा इतना, तो I cap plus 2J cap plus 3K cap। B1 वेक्टर जो हो जाएगा इतना, तो I cap minus 3J cap plus 2K cap। एंड A2 वेक्टर जो हो जाएगा कितना होगा A2 4I cap plus 5J cap plus 6K cap। B2 वेक्टर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा इतना 2I cap plus 3J cap plus K cap। बात समझ में आ रहा है ना, तो इसीलिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। A2 4I में से I जाएगा कितना हो जाएगा 3I cap, IJ में से 2J जाएगा तो +3J cap हो जाएगा, 6K में से 3K जाएगा तो क्या हो जाएगा +3K cap हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब क्या कीजिए अगेन, फिर क्या करना है हमको B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालना है, क्या हो जाएगा IJK। I कितना है 1 है, J कितना है -3 है, K कितना है 2 है, फिर I कितना है 2 है, J कितना है 3 है, K कितना है 1 है। अब यहां निकालिए तो I कैप रो कॉलम डिलीट -3 -6 फिर -J cap प्लस माइनस होता है, डिटरमिनेंट का साइन याद कीजिए, -J cap हमने बता दिया है फर्स्ट में ही, तो -J cap रो कॉलम डिलीट 1 × 1 -4 हो जाएगा, फिर +K cap रो कॉलम डिलीट तो 1 × 3 3 हो जाएगा। प्राइमरी डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल के मल्टीपल को हम क्या करते हैं घटाते हैं, समझ में आ रहा है, तो 1 × 3 3 अब -3 × 2 6 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, -9I cap कितना 1 में से -4 जाएगा तो -3 -3J cap हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए 3 + 6 9 तो +9K cap हो जाएगा। आइए तो इसीलिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए तो रूट अंडर क्या होता है -9 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर +3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट अंडर 9 जो कितना होता है -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -++81 हो जाएगा, +9 हो जाएगा फिर 81 हो जाएगा, फिर रूट अंडर क्या हो जाएगा 112 और 9 11 का 1 8 8 16 16 1 17। इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यानी 9 × 19 19 9 = 171 होता है, बात समझ में आ रहा है ना, तो 3 2 × 19 हो जाएगा। नाउ अब क्या करना है SD इज इक्वल टू क्या होता है मॉड A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर
मान को पुट कीजिए a2 माइनस a1 हमने अभी फाइंड आउट किया है 3i + 3j + 3k मोट 3i + 3j + 3k डॉट फिर यहाँ b1 वेक्टर + b2 वेक्टर हमने अभी निकाला है माइनस 9i + 3j + 9k का मॉड बटा क्या हो जाएगा 3√19 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब यहाँ देखिए इसीलिए st जो हो जाएगा मॉड। अब क्या कीजिए इसके को यानी ijk के कोफिशिएंट और इसके ijk के कोफिशिएंट का मल्टीपल का सम, तो 3 × 9 माइनस कितना हो जाएगा -27 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 × 3 + 9 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 3 × 9 कितना हो जाएगा +27 बटा कितना हो जाएगा 3√19। अभी माइनस प्लस कट जाएगा तो 9 बटा 3√19 √19 यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा क्या रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना था, इस दोनों लाइन के बीच का एसटी हमको इतना हुआ। इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो चलिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में भी क्या करना है हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ भी 2 को वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कराई फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस व्हिच वेक्टर इक्वेशंस आर, यानी इसके जस्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन था सेम है, सेम इसका हेडिंग है, बट इसमें क्या है इसका लाइंस जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें जो हम कांस्टेंट है मेरा टी, उसमें क्या था लैम्डा था, तो टी को क्या कर दिया इसमें मल्टीप्लाई करके फेरफाड़ कर दिया। इसको हम क्या करेंगे अलग करेंगे, पहले इसमें भी हम एस को क्या करेंगे अलग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम इसके इस दोनों लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में कहने का मतलब एज गिवन लाइंस, इसको L1 मानिए फर्स्ट को, R वेक्टर जो दिया हुआ है 1 − t × i + क्या है t − 2 × j + 3 − 2t × k। यहां तो कोई दिक्कत, इसी को आगे बढ़ाइए, जब इसको आगे बढ़ाएंगे गुना कर दीजिए तो i − t i फिर +t j − 2j फिर +3k − 2t k। अब देखिए यहाँ t वाला को एक साथ, यहाँ देखिए i − 2j फिर क्या है +3k। हमने इसको एक साथ कर लिया। अब देखिए यहाँ t वाला को एक साथ, t को कॉमन निकालिए क्या हो जाएगा +t + t। यहाँ क्या करेंगे प्लस टी को कॉमन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ −i। देखिए −t i है तो ±−t i हो जाएगा। फिर इसमें से क्या करेंगे हम टी को कॉमन निकालेंगे समझ में आ रहा है ना, क्या हो जाएगा j + j हो जाएगा। फिर यहां से हम क्या करेंगे, यहां से t को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा −2k। यहां तो कोई दिक्कत, फिर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए यहां −t i ठीक है +t j ठीक है ±−2t k कोई दिक्कत। एंड फिर L2 r वेक्टर इज इक्वल टू इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसको भी अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे तो s + 1
आई कैप प्लस टू एस माइनस वन इंटू जे कैप माइनस टू एस प्लस वन इंटू के कैप। इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस आई कैप प्लस टू एस जे कैप माइनस जे कैप माइनस टू एस के कैप माइनस के कैप हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, फिर इसको क्या कीजिए, आई आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप एक साथ कर लिया हमने, एस को कॉमन कर लिया प्लस एस को कॉमन किया तो आई कैप प्लस टू जे कैप, फिर इसमें से क्या किया हमने एस को कॉमन किया तो माइनस टू के कैप। याद भी दिक्कत, इसको दो मानेंगे तो फ्रॉम वन एंड टू से क्या हो जाएगा, ए वन वेक्टर जो हो जाएगा कितना होगा, इसको ए वन बोलते हैं, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, फिर बी वन वेक्टर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, बी वन वेक्टर इसको बोलते हैं तो आई माइनस जे माइनस के। यहाँ तो कोई दिक्कत, फिर यहाँ देखिए ए टू वेक्टर को कितना हो जाएगा, ए टू वेक्टर कितना हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया यार, यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, बी वन ना लिखना है तो इसको ना लिखेंगे, क्या हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। ज्यादा कोई दिक्कत, फिर यहाँ ए टू इसको लिखेंगे, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, फिर क्या हो जाएगा, बी टू वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा, बी टू वेक्टर तो बी टू वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस टू जे कैप टू जे कैप माइनस टू के कैप, समझ में आ रहा है ना, यानी हमने इसको बी टू, इसको हम बी टू बोलते हैं, कोई दिक्कत। अब यानी कि नाउ अब क्या करेंगे, ए टू वेक्टर में से ए वन वेक्टर को निकालेंगे तो ए टू, ए टू कितना हो जाएगा तो आई में से आई गया तो जीरो आई कैप, फिर यहाँ देखिए आई में से आई गया, फिर माइनस जे में से माइनस टू जे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए माइनस के में से प्लस थ्री के जाएगा तो माइनस थ्री के तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर के कैप, माइनस फोर के कैप हो गया अगेन। फिर क्या निकालेंगे, बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिए बी वन को देखिए गौर से, माइनस सॉरी आई का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस वन है, जे का कोएफिशिएंट क्या है, वन है, फिर के का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस टू है, फिर यहाँ आई का कोएफिशिएंट क्या है, वन है, जे का कोएफिशिएंट क्या है, टू है, फिर के का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस टू है। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब यहाँ देखिए आई जे के अलोंग क्या कीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए तो आई कैप रो कॉलम डिलीट तो माइनस टू और माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर माइनस जे कैप रो कॉलम डिलीट माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर यहाँ प्लस के कैप रो कॉलम डिलीट तो माइनस टू और माइनस वन, यहाँ तो कोई दिक्कत। यहाँ देखिए माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, टू माइनस टू प्लस फोर हट के क्या हो जाएगा, टू आई कैप हो जाएगा। यहाँ देखिए टू टू प्लस फोर हो जाएगा तो माइनस फोर जे हो जाएगा, यहाँ माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री के कैप। अब क्या कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए, अब क्या कीजिए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा रूट अंडर टू का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, फोर प्लस सिक्सटीन प्लस नाइन कितना हो जाएगा, रूट अंडर ट्वेंटी नाइन हो गया,
यहाँ तो कोई दिक्कत, तो सो एस टी मेरा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ देखिए a2 माइनस a1 कितना है, e है, या लिख सकते हैं जीरो आई कैप प्लस जे कैप माइनस फोर के कैप डॉट बी वन फैक्टर प्लस बी टू फैक्टर हमने अभी फाइंड आउट किया है, क्या है टू आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस थ्री के कैप। यहाँ तो कोई दिक्कत, कम ऑन बट मैग्नीट्यूड हमने अभी निकाला है, क्या हो जाएगा रूट अंडर 19 हो गया, कि आई जे के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो जीरो इंटू टू जीरो हो जाएगा, प्लस वन माइनस फोर का मल्टीपल क्या हो जाएगा माइनस फोर हो जाएगा, माइनस फोर माइनस थ्री का मल्टीपल क्या हो जाएगा प्लस ट्वेल्व हो जाएगा, कम ऑन बटा क्या हो जाएगा रूट अंडर 19। अब देखिए ट्वेल्व अब माइनस फोर कितना हो जाएगा, यहाँ एट का मॉड बटा रूट अंडर 29। इसीलिए एस टी जो हो जाएगा मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस आठ बटा क्या होता है रूट अंडर 29। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको आप लोग लिखिए और आज का लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है, और कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.3 का कंसेप्ट बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।